जब लड़कियों को गोल्ड डिगर, लालची, पैसे की भूखी बोला जाता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेती हैं कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, एग्जैक्टली ऐसे कैसे बोल दिया। बट ये ईगो पर लेने से पहले एक बार सच में सोचो, कैसे बोल दिया, क्यों बोला जाता है। बट ये शब्द हर एक लड़की के लिए नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो वर्किंग है, खुद अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करती है खुद के कमाए हुए पैसों से। बट आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो इस समय कमाती नहीं है, जिनको कमाना जरूरी नहीं लगता, जिन्होंने एक बॉयफ्रेंड रखा है या फिर बॉयफ्रेंड रखने की इच्छा रखती है, जो ये मानती है कि मेरा खर्चा उठाना मेरे बॉयफ्रेंड का काम है, मेरे शौक पूरे करना मेरे पार्टनर का काम है, मेरे खर्चा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, सारे बॉयफ्रेंड करते हैं। जिसे अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए पहले पापा की और बॉयफ्रेंड की जरूरत है, जहां पर बॉयफ्रेंड पैसे खर्च नहीं करता वहां पर उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, भाई ऐसे कैसे कर दिया, तो आपको क्या बोला जाएगा? क्या प्यार की भूखी है? नहीं। जब आपको एक लड़के में सबसे पहले पैसा चाहिए, आपकी एक कंडीशन है कि हाँ पैसा मिलेगा, पैसे वाला होगा, पैसा खर्च करेगा तो ही आप साथ में रहेंगे, आप उस जगह पर हैं जहां पर आपका माइंड सेट है कि आपके खर्चे आपका बॉयफ्रेंड ही उठाएगा, अगर आप वो लड़की हैं जहां पर आप हर एक चीज के लिए अपने बॉयफ्रेंड पर डिपेंड हैं, तो सॉरी टू से आप गोल्ड डिगर ही हैं, आपको कुछ और नहीं कहा जाएगा। एंड अगर आप वो इंसान हैं जिसको ये झिलता नहीं है जब आपका बॉयफ्रेंड आपको कंट्रोल करता है, आपको अच्छा नहीं लगता जब आपका बॉयफ्रेंड आपको पैसे की भूखी बोलता है, आप झेल नहीं पाती हैं जब आपका बॉयफ्रेंड आपको छोटा महसूस करवाता है, तो एक बार आप ये सोचिए अपने बारे में कि आपने अपनी इमेज खुद बनाई है, ये आपने खुद ये प्रूफ कर दिया है कि जो वो सोच रहा है, जो वो कह रहा है, आप ऐसी ही हैं। आप जब से उसके साथ एक रिश्ते में आई हैं, आपने सिर्फ पैसा ही खर्च करवाया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, कुछ लड़कियों को ऐसा होता है कि खुलकर पैसा नहीं मांगती, वो अपने बॉयफ्रेंड से ये नहीं बोलेंगे कि आई नीड दिस ड्रेस, आई नीड मनी, वो नहीं बोलती। वो क्या करती है, उनको पता है कि उनका बॉयफ्रेंड उनकी चीजों का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है, ऐसे में वो बस ध्यान दिलाती है कि पता है मैं उस मार्केट में गई थी, वहां मुझे एक सूट पसंद आया, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और मुझे वो ड्रेस इतनी अच्छी लगी। ये क्यों बताया जा रहा है? Because you know कि जैसे ही आपके बॉयफ्रेंड को पता चलेगा, वो जाकर खरीदेगा। एंड वो यही करता है, वो पता करता है या फिर आपको जबरदस्ती कसम देता है ऊपर वाले की, अपने प्यार की, अपने सर की, और आपको शॉप पे ले जाके आपकी शॉपिंग करवाता है। फिर आप कहते हैं कि यार मैं पैसे नहीं मांगती, मुझे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर आप ये एटीट्यूड दिखाती हैं। अगेन जब आपको पैसों की जरूरत होती है, फिर आप आती हैं कि यार मेरी फ्रेंड है ना, उससे मैंने कुछ पैसे लिए थे उधार, एंड कल उसने पता है मेरी कितनी बेइज्जती की सबके सामने, गुस्सा तो मुझे इतना आया कि मेरे पैसा होता ना उसके मुंह पे मारती, बट पैसे थे नहीं, जब होंगे ना तो बताऊंगी, इंसल्ट नहीं झेल सकती अपनी। आप बता रहे हो बॉयफ्रेंड को, क्यों? क्योंकि आप खुलकर पैसा नहीं मांगना चाहते, बट आप चाहते हो कि वो खर्च करे आपके ऊपर, आपके एक्सपेंसेस उठाए। तो यही वो करता है, जैसे उसे पता चलता है वो आपसे पूछता है कि जान कितना पैसा है, आप फिर थोड़े से ड्रामे, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते कि नहीं नहीं तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, वो आपको अगेन पहले की तरह एक कसम देता है कि जान तुम्हें मेरी कसम, ये नहीं लिया ना तो मैं समझूंगा तुम मेरे पे भरोसा नहीं करती। वो फोर्सफुली आपको वो पैसा देता है एंड आप लेते हो, फिर आप इस चीज को मेंटेन करते हो कि भाई मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, मैं नहीं पैसा मांगती। आप कर क्या रहे हो? इतने ही गैरतमंद हो तो कैसा पैसा ले लिया, जब आपको ये पता है कि वो
आपकी जुबान से जब भी किसी जरूरत किसी फरमाइश की बात सुनता है तो वो पैसा खर्च करता ही है, तो आप मत बोलो ना। जब आप इतनी ही सती सावित्री हैं, आपको पैसों में उसके इंटरेस्ट नहीं है, तो मत बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मनी रिलेटेड। ना उसको पता चलेगा ना वो पैसे खर्च करेगा। बट आपको ये भी नहीं करना, आप ये ट्रिक आजमाते हो एंड फिर आपको इससे भी प्रॉब्लम है कि वो ये ना बोल दे कि आप पे पैसा खर्च किया। एग्जैक्टली देखो, जब तक आप नहीं चाहते ना, नो वन कैन स्पेंड हिज मनी ऑन यू। ये चीज ध्यान रखो, कोई अपनी मर्जी से आपके ऊपर एक बार पैसा खर्च करेगा, दो बार करेगा, हमेशा नहीं करता रहेगा। अगर आपका पार्टनर, आपका दोस्त या आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर बहुत लंबे टाइम से पैसा खर्च करती आई है या फिर आया है, तो समवेयर आप चाहते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसके दिमाग के साथ खेलते हो एंड उसका पैसा जानबूझ के खर्च करवाते हो, इसलिए हो रहा है। फिर आपको ये गोल्ड डिगर नाम से भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, दिस इज वीडियो ओनली अबाउट दोस पर्सन हु आर नॉट मैरिड। इस वीडियो में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउसवाइफ। हाउसवाइफ होने में और गर्लफ्रेंड होकर पैसा खर्च करवाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हाउसवाइफ वो होती हैं जो अपनी पूरी जिंदगी को एक आदमी और उस आदमी की जो फैमिली है ना उसके नाम कर देती है। वो जॉब करती थी, जॉब छोड़ देती है, अपने शौक छोड़ देती है, उसके घर में 24 आवर्स की सर्विस देती है, उसकी खुशी के लिए, उसकी फैमिली की खुशी के लिए बहुत सारी इच्छाएं वो मारती है। तो वो एक रिश्ता अलग है। वहां पर वो बेचारी इतनी मजबूर होती है कि चाहकर भी जॉब नहीं कर सकती। कभी हस्बैंड अलाउ नहीं करता, कभी बच्चों की जिम्मेदारी है, कभी फैमिली कंडीशन ऐसी है, कभी घर के इतना ज्यादा बोझ है कि नहीं कर पाती। ऐसे में हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसको तो खर्च उठाना ही है, फ्री की सेवा दे रही है वो लेडी। तो इस वीडियो को आप उन औरतों के ऊपर ना ला दें एंड अपने आप को उन फीमेल जो मैरिड है उनसे कंपेयर ना करें। इस समय आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं, जहां पर आप किसी लड़के की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, उस लड़के की फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, उसके लिए अपने शौक अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। आप अपने घर में अपनी मर्जी की मालिक हैं, पापा की परी हैं, मम्मी की लाडली हैं, अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जी रही हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं और उसके लिए आपने एक बॉयफ्रेंड पाल लिया है जो खर्चा उठा रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो दोनों चीजों में फर्क है, वाइफ में गर्लफ्रेंड में फर्क है। इसके अलावा ये चीज लड़कों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये कह देना कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं ये गलत है। There are so many women जो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो खुद का खर्चा भी उठाती हैं, अपने स्पाउस का भी उठाती हैं। एंड इसके साथ ही एक चीज है जो लड़कों को भी समझनी चाहिए कि पहले तो आप किसी लड़की को पैसे से जीतने की कोशिश करते हैं एंड जब वो लड़की आपके साथ पैसे की वजह से होती है तो फिर आपको दुख होता है, आपको बुरा लगता है, आपका दिल टूट जाता है। जब आप एक रिश्ते में आते हो ना एंड आपको ये महसूस होने लगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार नहीं करती, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड को सिर्फ आपके पैसे से आपके जॉब से मतलब है, जब उस रिश्ते में आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ से आपको प्यार महसूस नहीं होता, केयर महसूस नहीं होती, आपको वक्त नहीं मिलता, आप इग्नोर्ड फील करते हो, उसी वक्त उस रिश्ते को खत्म कर दो, बजाय इसके कि जबरदस्ती पैसा दे देकर उसको अपने साथ रखो। ये करके आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, एट लास्ट आप उस लड़की को ब्लेम करते हैं। सो अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो एंड अपनी गलती की वजह से जो आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है उसके लिए सामने वाले को ब्लेम मत करो, चाहे आप एक लड़के हो या फिर एक लड़की हो। आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, आपके पार्टनर की नहीं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी।
बहुत जरूरी हो तो ही ये कॉल बुक करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। मेरी बहुत सारी वीडियो है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, उन वीडियो से अपना काम चला लें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो इस वीडियो के बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाउ मुझे बता दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।